नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों 30 सितंबर को रिलीज दो फिल्में PS1 तथा विक्रम वेदा की इतनी ज्यादा हाइप थी कि जो तीसरी फिल्म रिलीज हुई थी और वो फिल्म जो इन दोनों फिल्मों से काफी बेहतर है, काफी उम्दा है, उस फिल्म की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, PS1 का रिव्यू मैंने किया था और विक्रम वेदा का रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे किया था। तो आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म का रिव्यू देने जा रहा हूँ जो फिल्म ना केवल PS1 से बहुत बेहतर है बल्कि विक्रम वेदा से भी बहुत अच्छी फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म कंतारा 30 सितंबर को रिलीज हुई थी। और दोस्तों इस फिल्म से सबसे बड़ी गलती केवल ये हुई कि ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज नहीं है, इस फिल्म को हिंदी में डब करके रिलीज नहीं किया गया, वरना मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये फिल्म इन दोनों फिल्मों से बेहतर परफॉर्म करती हुई आपको बॉक्स ऑफिस पर नजर आती, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता है फिल्म देखने के बाद। दोस्तों कन्नड़ा लैंग्वेज की ये फिल्म, कन्नड़ा इंडस्ट्री ने हमें कई बेहतरीन फिल्में दी है जिसमें KGF है, KGF Chapter 2 है, इसके अलावा 777 चार्ली है, कई फिल्में कन्नड़ा इंडस्ट्री ने हमें दी है और बहुत ही जबरदस्त फिल्में दी है। लेकिन दोस्तों कंतारा देखने के बाद में आप ये सोचने को मजबूर हो जाओगे कि वास्तव में फिल्म होती क्या है, फिल्म का कंटेंट क्या होना चाहिए, फिल्म में जो इमोशन है, फिल्म के जो विजुअल्स है, फिल्म की जो स्टोरी लाइन है, फिल्म में कलाकारों की परफॉर्मेंस है, वो एक्चुअली होनी क्या चाहिए, ये सब चीजें आप इस फिल्म को देखने के बाद में सोचोगे आप। मतलब इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई गई है, ऋषभ शेट्टी इस फिल्म के डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर भी वही है। कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म है, इंग्लिश में सबटाइटल्स है जिसके कारण आपको फिल्म को समझने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, और फिल्म वैसे भी इतनी शानदार तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से लिखी गई है, स्क्रीन प्ले इतना बेहतरीन है कि दोस्तों समझने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, और इतनी बेहतरीन मूवी है। तो मुझे सबसे बड़ी शिकायत इस फिल्म से यही है, इस फिल्म के मेकर्स से मेरी शिकायत यही है कि इस फिल्म को आपने हिंदी में डब करके क्यों रिलीज नहीं किया, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म इतनी शानदार है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस फिल्म की किस प्रकार से तारीफ करूं। और ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप नेगेटिविटी तो ढूंढ ही नहीं सकते, कि आप ये कह नहीं सकते कि यहाँ पर फिल्म कमजोर पड़ती है। जब से फिल्म शुरू होती है और तब तक फिल्म एंड नहीं हो जाती है, तब तक आप पलके भी नहीं चपकाएंगे, आपकी निगाहें लगातार स्क्रीन पर टिकी रहेगी और आप बिल्कुल शॉकिंग होकर के, बिल्कुल सरप्राइजिंग होकर के ये फिल्म देखेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसी फिल्म आज तक बनी क्यों नहीं, किस प्रकार से बॉलीवुड वालों को जहाँ कंटेंट मिलता ही नहीं है, स्टोरी नहीं मिलती है, जहाँ पे वो रीमेक के पीछे पड़े रहते हैं, कभी स्पेनिश रीमेक, कभी हॉलीवुड रीमेक, कभी साउथ रीमेक, और ये कन्नड़ा इंडस्ट्री वाले कहाँ से एक स्टोरी लेके आते हैं, कहाँ से एक ऐसा कंटेंट लेकर के आते हैं और इतना जबरदस्त कंटेंट लेके आते हैं। हमारे इतिहास में, हमारी सभ्यता में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में इतनी कहानियां भरी पड़ी है, किस प्रकार से वो इन सब कहानियों का यूज करते हैं, कैसे ऐसे यूनिक कॉन्टेक्ट लेकर के आते हैं, देखने वाली बात है। दोस्तों मैं मतलब इसके मेकर्स ऋषभ शेट्टी को सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि क्या जबरदस्त ये फिल्म लेकर के आई है, क्या विजुअल्स है, क्या सिनेमाटोग्राफी है, कितने जबरदस्त इमोशनल सीन है और किस तरह का स्क्रीन प्ले लिखा गया है, और इन सबसे बढ़कर के जिस प्रकार का इसका कंटेंट है और क्लाइमेक्स, जो 20 मिनट का क्लाइमेक्स है, इतना जबरदस्त है कि शायद मैंने किसी फिल्म का इतना जबरदस्त क्लाइमेक्स देखा नहीं है। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप इमोशनल हो जाएंगे, आप बहुत चक्के रह जाएंगे कि यार ये हो क्या रहा है, कैसी फिल्म है। दोस्तों ज्यादा शब्द मेरे पास नहीं है इस फिल्म के लिए, और ऋषभ शेट्टी ने क्या एक्टिंग होती है, किस प्रकार से एक्टिंग की जाती है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उनकी ये फिल्म देखिए, जान डाल दिए, पूरी जान लगा दी उनकी एक्टिंग में, कहीं से लगता नहीं कि वो कहीं पर भी एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, इतने जबरदस्त, जितना जबरदस्त उनका डायरेक्शन है उतनी ही जबरदस्त उनकी एक्टिंग भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस फिल्म को बार बार मुझे अफसोस हो रहा है कि क्यों हिंदी में डब करके रिलीज क्यों नहीं किया गया, वरना ये फिल्म मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ ना केवल PS1 पर बल्कि विक्रम वेदा दोनों फिल्मों पर यह फिल्म भारी पड़ती, और ये फिल्म आप जरूर देखिएगा क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद आपको ना KGF Chapter 2 याद रहेगी और ना आपको RRR, ना आपको पुष्पा याद रहने वाली है, इतनी जबरदस्त फिल्म है। मैं इसको 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूंगा रेटिंग। और दोस्तों अगर ये फिल्म नहीं देखी है तो आप प्लीज जरूर देखिएगा ये फिल्म, इतनी बेहतरीन फिल्में बहुत कम बनती है, मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा, इस फिल्म को हिंदी में डब करना चाहिए था दोस्तों, रिलीज किया जाना चाहिए था, ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ने में सक्षम है, सारे रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस के तोड़ सकती है, इतनी जबरदस्त ये मूवी है। दोस्तों मूवी रिव्यू के बाद में मैं आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता देता हूँ, करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का फिल्म का बजट है और ये फिल्म अपने तीसरे दिन फर्स्ट वीकेंड पर ही फिल्म का बजट पूरा करने जा रही है और ब्लॉकबस्टर ये फिल्म साबित होगी, इसमें कोई डाउट मुझे नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों पहले दिन जहां
इस फिल्म का जो कलेक्शन था वो करीब 3.9 करोड़ रुपीज रहा था। वहीं दूसरे दिन वर्ड ऑफ माउथ मिलने के कारण फिल्म का कलेक्शन आया 6.70 करोड़ रुपीज, मतलब करीब करीब आप ये कह लीजिए कि 50% तक ग्रोथ सेकंड डे के कलेक्शन में देखी गई। और दोस्तों तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन, मतलब आज संडे को ये फिल्म 8 करोड़ रुपए के करीब कलेक्शन करने वाली है। कम से कम बता रहा हूँ 8 करोड़ रुपए, हो सकता है ये 10 करोड़ भी हो जाए। तो 3 दिनों में फिल्म का जो टोटल है वो करीब 19 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा कल या परसों में ये फिल्म अपने बजट को पार करके हिट हो जाएगी। और हिट क्या है, ऐसी फिल्म तो ब्लॉकबस्टर साबित होनी चाहिए। दोस्तों मैं फिर से मेकर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस फिल्म को हिंदी में भी डब करके रिलीज कर दीजिए, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जो सभी के पास पहुंचना चाहिए और सभी को देखनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा।